बहुत तरीके हैं परमात्मा ने दिए हैं, टेक्निक आधुनिक तकनीक, इसके माध्यम से ये डूंडा उठेगा। हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये चिप भरी जाती है और दोनों सा भी सत्संग उनको चाहिए, एक चिप में 48-48 घंटे का आ जाता है, वीडियो फिल्म भी आ जाती 40-40 घंटे की, और वो यहाँ से भरवा ले जाते हैं, DVD ले जाते हैं, कति सस्ते रेट में देते हैं हम, जो और संत 50-50 की देते हैं, यहाँ पर हम 15 रुपये की CD देते हैं, DVD 20 रुपये की, जिसमें बहुत गुणा सत्संग आ जाता है, और वो भी लागत मुश्किल इसलिए देते हैं कि कोई वैसे ठा ले जाए ना, फिर इनमें बरवा ले रागनी। तो इस प्रकार, तो अब ये क्या करते हैं हमारे बच्चे, एक फौजी आया छुट्टी और आते ही उसने नाम लिया, सीधा यहाँ पहुँचा, उसने बताया जी आपका एक भक्त मिला मुझे ट्रेन में, उससे चर्चा होगी। तो वो ज्ञान जो कह रहा था, मैं कहने लगा भी कोई प्रमाण दिखा, उसने अपनी चिप काट कर मेरे तई दे दी, अकेले तो आप इसने देखियो, और कोई पैसा लिया नहीं, 200-250-300 रुपये की वह चिप मेरे तई दे दी। एक तो मुझे इतना ज़बरदस्त उसका असर हुआ कि भी इस आदमी ने केस वारत है, फ्री में चिप दे दी, फिर मैंने उसको अपनी चिप दे दी, कापिया ले जाओ, उन्होंने बोला ना इसमें तो तुमने गाने गुने भरवा रखे, इसमें हम भगवान की वाणी भर नहीं सकते, हालांकि ऐसे बदल भी लेता मैं पर नहीं लूँगा, पैसा भी नहीं लिया। फिर वो बोला जी मैंने इस बात की और जो है ना चेष्टा बनी, और मेरे पास 22 घंटे थे सफ़र में, मैंने वहाँ से लेकर वहाँ तक वो उसमें चिप चलाई, फिर मेरे पास 2 बैटरी थी, 4 मतलब 2 रखता था, क्योंकि सफ़र में मुझे पता होता फ़ोन फान करना पड़ जा, कई बार 2 बैटरी चार्ज कर रखी थी। तो मैंने कई घंटे सत्संग सुना, मेरी तो आत्माएं एकदम आकर्षित हो गई, प्रत्यक्ष देख कर फिर अपनी यूनिट में गया, यूनिट से परमिशन लेकर ये सदग्रंथ में फिर छुट्टी लेकर बाहर गया, वहाँ से लाया ये सदग्रंथ, आँख्या देखी, पुराण देखे, वेद तो मिले नहीं मुझे, और गीता देखी। बोला मैं तो उसी दिन छुट्टी ले गए, छुट्टी मिलते ही सीधा यहाँ आया हूँ और नाम ले कर जाऊँगा। तो पुण्यात्मा ये ना चलाओ चैनल वाले, चैनल चल पड़े मारे तो अंडरग्राउंड, हाँ देखिए डूंडा फाटेगा, और एक दिन ऐसा होगा ये लाइन में खड़े होंगे चैनल वाले, इन्होंने हमने दे दो, हमने दे दो, हम चला जाएंगे, क्योंकि ये इसके बिना और कोई सुने नहीं गा, लास्ट में देख लेना, ये ऐसा ज्ञान है जैसे आदमी सब काम छोड़ कर बैठ जाएगा और इंतजार करेगा वो प्रोग्राम आवे कब किस समय। ये आत्मा की खुराक और जनता का, समाज का सुधार और आत्मा का उद्धार इसी ज्ञान से होगा। जैसे 600 वर्ष पहले इस परमेश्वर के साथ इन नकली संतों, ऋषि महर्षि, अज्ञानियों ने, काल के दूतों ने जुल्म गुजारे थे और जनता को भ्रमित कर दिया था, कबीर झूठा है, कपटी है, ये अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये झूठ बोल रहा है, तो जनता भी अशिक्षित थी, तब तो उनकी दाल गलगी, अब उनकी दाल गला कोई नहीं, अभी उन्होंने कुचेष्टा की, ये क्रोथा कांड कराया, यही वजह थी, झूठ कपट बोली, राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया, और सब ने इसे बूंदे आरोप और समाचार पत्रों में बकवाद गढ़ दी, और उसके बाद देख लो सच को आंच नहीं होती, सत्य को कुछ दिन छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज ये सारे संसार के समक्ष होगा और धिक्कारेंगे जनता उन दुष्ट इंसानों को जिन्होंने परमात्मा से जनता को दूर कर दिया, लाखों लोगों का उद्धार होना था, बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माचरी, सारे मानव समाज में विकार घर कर गए, और हम यहाँ परमात्मा की हंसात्माओं को मांजते हैं, पहले धोते हैं उसको साफ, जैसे खेत संवारा करें बीज बोने तो पहले
और कोई एक विशेष वस्तु पदार्थ डालना हो तो उस पात्र को खूब मांजते हैं, नहीं तो पदार्थ खराब हो जाए। तो यहाँ बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और किसी प्रकार का दहेज, बकवाद, सांग, सिनेमा, फिल्म, ये बकवाद नहीं देखनी, ये मैच नहीं देखने आपने। अब क्योंकि जब हम साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, जब हमने पता लग जाएगा कि देखा अरे कोई देखने की चीज़ है, ये ताश खेल रहे हैं, मार बेगम है और कभी लेना नहीं देना, क्यों मन न बकवाद चाहिए और सारा दिन सुबह तक लेकर शाम तक लेप कर देखेंगे। और इसी तरह ये मैच, क्रिकेट के मैच तीन तीन दिन आँख पाड़े बैठे रहे, क्या मतलब है इसका? अपनी भक्ति करे, मालिक ने याद करे, वह खेल रहे और हम देखा, जैसे मैं लड्डू खाऊं और तुम देखो ओहो वो दो खा गया, तुम न के मिला बोले आदमी हो। तो ये बालक बुद्धि से हमने थोड़ा हटके चलना पड़ेगा। वह तो अपने पैसे कमाओ करोड़पति हो गए हैं, अरे ये भोड़ी आत्मा उड़े बैठे बेमतलब टीवियां पर बैठे रहे, काम भी छोड़ दे। तो ये सारी बीमारी इस आधुनिक उपकरण का दुरुपयोग से होगी। ये फिल्म फिल्मा बकवाद गढ़ दी, सारी उल्टे सुलटे हैं, किसी ब्याह दिखाओ लड़की का, एडवर्टाइजमेंट करो ना घोड़ों पर, बोझों पर, डीजे, वह बीमारी सारे समाज में ठोक दी। और हम इससे उल्टा हटाएंगे, भक्ति तभी चलेगी। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले परमात्मा यही बताया करते थे, मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, वेद पढ़ वो पंडित भूला वो मर्म भेद ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। और कह कबीर, जिसने पा गया भेद मर्म का वो फिर गर्भवास नहीं आया। आप दिखाते हैं कि स्वर नर मुनि जन 33 करोड़ी ये बंदे सभी निरंजन डोरी, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, ए त्याकू तो रा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। अब दिखाते हैं न ब्रह्मा को ज्ञान था वेद का, न विष्णु को था, और शिव तो इनसे भी छोटा है, इसको शिव को भी ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा, छोटा मीन एज में छोटा है, बड़ा ब्रह्मा है, बीच का विष्णु है, और छोटा भाई इनका शिव है, और वेद का ज्ञान इन्होंने ब्रह्मा से ही प्राप्त किया है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और कहाँ से छपी है ये, प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। पहले तो इसके 123 पृष्ठ पर दिखाते हैं, 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, शिव या दुर्गा पुराण। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और त्रोभाव, आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर में तो हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, दुर्गा इनकी माता है, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इस थोड़े से प्रकरण ने और कितना काम हल्का कर दिया, इसमें चार कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस पवित्र पुराण ने। नंबर एक के ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों नाशवान है, और दूसरा के या दुर्गा इन तीनों की माता है, तीसरा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। आप देखिएगा, नियमित माने जैसा जिसने कर्म किया उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, लेकिन ये तीन लोग के कंट्रोलर हैं और हम इनके अंतर्गत हैं, जिसका जैसा संस्कार उसको एज इट इज भुगतवाते हैं, ये उसको उसका भोग पाप का पूरा एज इट इज पाप का देंगे, पुण्य है पूरा पुण्य देंगे। अब देखिएगा पहला स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत और पृष्ठ 28 पे, अब यहां से देखते हैं। नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद हुआ। अब नारद जी से व्यास जी ने पूछा एक प्रश्न, तो व्यास नारद जी कहते हैं यही प्रश्न मेरे मन में था, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि सारा ज्ञान ब्रह्मा से ही प्रचलित बताया जाता है और वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी को ही माना जाता है, और ब्रह्मा से ही इन सभी ऋषियों को वेद ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा 28 पृष्ठ पे संक्षिप्त देवी भागवत नारद और व्यास जी की चर्चा गोष्ठी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस समय इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। अब नारद जी कहते हैं, देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, देवताओं के भी देवता कह रहा है विष्णु जी को, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, उसकी चार भुजाएं हैं, हम ज्यादा ना लें, वे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु से जानने की चेष्टा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी विष्णु जी के बारे में ब्रह्मा बोल रहा है, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं।
अब 28 पृष्ठ पढ़ रहे हम तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री